आज की वीडियो में आपको छोटे बच्चे की फिटिंग पैंट काटना बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मैंने इस कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है, इस तरह से उल्टा करके, और किनार साइड इधर है दोस्तों, और मैंने इसकी नाप भी लिख दी है। इसकी पैंट की लंबाई है वो 22.5 इंची है, कमर 20 इंची है, हिप 21 इंची है, और जांग 12 इंची है, और 10 इंची दोस्तों मोरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि यहाँ से एक मार्का लगाना होगा, इस तरह से सीधा मार्का करना होगा, इस प्रकार से सीधा मार्का करना होगा। और सीधा मार्का करने के बाद में दोस्तों, हम इसके 1.25 इंची का बेल्ट होल लगाएंगे। तो यहाँ से ये 1.25 इंच में से हम ये सिलाई का चला जाएगा 0.5 इंची। तो इस प्रकार से हम इसको 0.5 इंची ऊपर रखेंगे इंची टेप को, और इसकी लंबाई 22.5 है, तो 22.5 को हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, और आगे भी 0.5 इंची निकाल के इंची टेप को, और 22.5 पर निशान लगा के, और नीचे से हमें 2.5 इंची नीचे तुरपाई के लिए चाहिए। दोस्तों, आप यदि नीचे मोरी में सिलाई करें तो आप 1.5 इंची भी रख सकते हैं, और इसको इस मार्के को सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों, अब बात आती है इसकी लटक की। तो इसकी हिप है ना 21 इंची है, तो 21 में 4 से डिवाइड करना होगा, तो लगभग 5.25 आएगा। तो यहाँ पर 5.25 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों, थोड़ा लूज रखना चाहते हो तो आप 5.5 इंची पर निशान लगा सकते हो, इस तरह से 5.25 पर निशान लगा लेना इस तरह से, और इसको सीधा कर देना इस प्रकार से। और इसकी ही पहना दोस्तों 21 इंची है, तो 21 में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको 7 इंची रखना पड़ेगा इस तरह से। 7 इंची रख के तो 1.5 इंची यहाँ पर मार्का कम कर लेना होगा इस तरह से। और ये 7 इंची आ गया है, और इसको नीचे भी इस तरह से 7 इंची रख के, और इसका आधा करके, और ये बीच का सेंटर का निशान आ गया है दोस्तों। और अब इसकी मोरी की बात करते हैं, तो मोरी इसकी 10 है, तो 2.5 इंची हमको यहाँ रखना होगा, और 2.5 इंची इधर रखना होगा। क्या होगा कि ये 4 पल्ले आएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये है ना, ये 5 और 5 डबल होगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम इसकी कमर का मार्का लगाएंगे, तो कमर का मार्का के लिए इसकी कमर 20 है, तो हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 20 यानी कि 5 आएगा, और 6 सूट सिलाई का एक्स्ट्रा जो 3 इंची इधर लगेगा और 3 इंची इधर लगेगा। इसके बाद में दोस्तों, ये सेफ अंटी आती है, सेफ अंटी से यहाँ पर इस तरह से इसको रख देना है, इस तरह से अच्छे से रख के, और इस तरह से मार्किंग कर लेनी होगी, और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी होगी इस तरह से, और इसको सीधा कर देना होगा इस तरह से सीधा करके, और यहाँ पर इस तरह से घुमाव दे देना होगा दोस्तों। और इसको इसमें डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और इसको हल्का सा थोड़ा सा तिरछा निशान लगाते हैं ताकि तुरपाई करने में कोई परेशानी ना आए दोस्तों। इसको इस तरह से अच्छे से निकाल लेना होगा, और यदि आप हल्का सा डाउन करना चाहते हो तो लगभग आप 1 या 2 सूट इसको डाउन कर सकते हो, लेकिन बच्चे की पैंट है, इसमें डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और इसको मैं काट देता हूँ, हमने जहाँ पर मार्कर लगाया है उसके ऊपर से ही कटिंग करनी है दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
और यहाँ पर भी दोस्तों कुटका लगा लेना है इस तरह से लगभग 1.5 इंची ऊपर से, और यहाँ पर जेब लगाएंगे। जेब के लिए यहाँ से 2 इंची का मार्का करना होगा और यहाँ पर हमको 5 इंची का मार्का करना होगा इस तरह से, और यहाँ पर कुटके लगा देने होंगे। और उसके बाद में दोस्तों इसको इस तरह से पलट के पलट लेना है, और पलट के यहाँ पर इस तरह से बिछा लेना होगा हमें। इस तरह से इसकी बराबर में रखे नीचे से, और इस तरह से अच्छे से बिछा लेना होगा। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों यहाँ से सीधा करना होगा हल्का सा, लगभग आधा इंची का यहाँ पर इसे सीधा करना होगा, और इसको यहाँ से 1 इंची उठाना होगा इस तरह से, इसको 1 इंची उठाना होगा और इस तरह से इसको सीधा कर देना होगा। और यहाँ पर 2 सूज से नीचे मार्क करना होगा सीधी, और यहाँ पर 2 सीधा करना होगा दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों बात आती है कमर की, तो इसकी कमर 20 है, तो 20 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 5 आएगा, और अब यहाँ पर लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। 1.25 इंच एक्स्ट्रा इसलिए करेंगे कि आधा इंच प्लेन सूत सिलाई का इधर जाएगा, और बाकी की यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे जो जेब के लिए डलती है दोस्तों। और लगभग हम यहाँ पर 1.25 इंची बेल्ट में दबाव का लिए रखेंगे, और यहाँ पर नीचे हमें 2.5 इंच रखना होगा, और यहाँ पर हमें 2 इंची रखना होगा, और नीचे हमें 1.5 इंची रखना होगा, और इस मार्के को हमें सीधा कर देना होगा, सीधा। ये 70 है, इसको इस तरह से सीधा कर देना होगा इस प्रकार से, और इसको यहाँ से मिला देना होगा, यहाँ पर हल्का सा क्लोज कर देना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरह से, और इस गुणिये की सहायता से यहाँ पर इस तरह से इसको ये मारता है, यहाँ से इसको रख लेना होगा इस तरह से तिरछा, इस प्रकार से इस तरह से रख के, और इसको सीधा कर देना होगा इस तरह से। ये 1 इंची डाउन है ना दोस्तों, तो यहाँ से इसको इस गुणिया को तिरछी करके इस तरह से रख देना होगा इस प्रकार से, और रखने के बाद में दोस्तों इसको भी ऐसे सीधा कर देना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरह से घुमाव देना होगा दोस्तों, सिलाई हमारी यहाँ से इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी सिलाई, और ये यहाँ से कट जाएगी यहाँ पर यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं काट लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको शर्ट काटना भी बताऊँगा। शर्ट की बच सकी इस प्रकार से काटती है दोस्तों, ये लगभग 5-6 साल का बच्चा है दोस्तों। और ये क्या है कि अभी अभी स्कूल में जाने लगा है, ये लगभग 1 साल से जाने लगा है दोस्तों, तो उसकी मैं ये स्कूल की पैंट है और शर्ट है वो आपको मैं काट के बता रहा हूँ, और जल्द ही इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं बनाऊँगा दोस्तों। दोस्तों आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आगे भी बना सकूं दोस्तों। और यदि आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा तो दोस्तों मैं नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। आप मैं इसकी यहाँ पर कमर का नाप लिख देता हूँ, इसकी कमर 20 है दोस्तों, और यहाँ पर तोड़ डलेगी आधा इंच निकाल के, और यहाँ पर इस तरह से क्या है कि ये छोटे बच्चे की है तो इसमें पॉकेट तो हम वो जेब बनाएंगे, पाती वाली जेब बनाएंगे इसमें जो जींस में लगती है, उस प्रकार से यहाँ पर 2.5 इंच रख लेना होगा, और यहाँ पर लगभग हमको 1.25 इंची का इस तरह से ये बना लेना होगा दोस्तों। अब मैं
शर्ट की कटिंग करता हूँ, इसको अपना रख देता हूँ और शर्ट की कटिंग बताऊंगा दोस्तों आपको। ये दोस्तों लगभग 1.5 मीटर कपड़ा है, 1.5 मीटर में आसानी से 5-6 साल की बच्चे की बन जाती है दोस्तों। तो मैंने इसको इस प्रकार से इसको आपको उल्टा करके और किनार साइड में इस तरह से इसको रख लेना होगा, इस तरह से अच्छे से जमा लेना होगा, इस तरह से जमा लेना होगा। और दोस्तों मैं अब इसकी नाप लिख देता हूँ, नाप कितनी है इसकी, इसकी नाप है दोस्तों 18 तो लंबाई है और 20 इंची इसका सीना है और इसका तीरा 10 इंची है और इसकी आस्तीन की लंबाई 14 है और इसके 10.5 के कॉलर हैं और 7 के कप हैं दोस्तों। तो मैं इसके नाप से चाइना सेट कटिंग बताऊंगा दोस्तों। देखो तो यहाँ से सीधा कर लेना है, इस एक्स्ट्रा मार्जिन को निकाल देना है और उसके बाद में आपको चौक का निशान दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लाल कलर का लेता हूँ। आपको यहाँ से सीधा मार्का कर लेना होगा, इस तरह से, इस प्रकार से सीधा मार्का कर लेना होगा और इसकी लंबाई 18 है दोस्तों। आधा इंची सिलाई में इधर जाएगा नीचे और आधा इंची ऊपर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 19 इंची का मार्का लगा लेंगे और यहाँ पर भी 19 इंची का मार्का लगा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों किनार साइड में हमें यहाँ से फैसन पट्टी के लिए 1.5 इंची रखना होगा दोस्तों, इस तरह से आप 1.5 इंची का निशान लगा लेना है यहाँ से अच्छे से और इस पी मार्के को भी सीधा कर देना होगा, इस तरह से इसको सीधा कर देना होगा। और दोस्तों इसका तीरा है वो 10 इंची है तो हम यहाँ पर 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा और 5 और आधा इंची दबाव का जाएगा तो यहाँ पर हमें 1.5 इंची ये प्लेट को, ये फिसल पट्टी को छोड़ के निशान लगाना होगा। और दोस्तों हम यहाँ पर 5.5 इंची का लगा रहे हैं, 5.5 इंची का इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका तीरा 10 इंची है तो 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर आधा इंची दबाव का जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में इसका सीना 20 है तो यहाँ पर 20 का चौथा हिस्सा रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 इंची रखेंगे और यहाँ पर भी 5 इंची रखेंगे। यदि ये हेवी साइज या बड़ी साइज की होती 36 और 38 सीने की होती तो हम आज इस आर्म होल में आधा इंच कम कर लेते, लेकिन ये बच्चे की है, टाइट होने की संभावना होती है, इसलिए हमें यहाँ पर चौथा हिस्सा ही रखना होगा। और 20 का चौथा हिस्सा यहाँ पर 5 इंची इस तरह से आपको रख लेना होगा और इस मार्के को सीधा कर देना होगा, इस तरह से सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसका सीना यहाँ से चौथा हिस्सा करना होगा तो यहाँ पर हम 5 इंची लगाएंगे और हम यहाँ पर इसकी थोड़ी मीडियम साइज ही रखेंगे तो हम यहाँ पर 2 इंची का बढ़ाव दे रहे हैं दोस्तों। तो यदि आप थोड़ा और फिटिंग रखना चाहते हो तो आप पूरे 2 भी रख सकते हो। और इस तरह से हमें यहाँ पर 7 इंची का निशान लगाया है और नीचे भी 7 इंची का निशान लगा लेना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें 7 इंची का निशान लगा नीचे भी लगा दिया, हमने जहाँ सीना लगाया है उतना ही आपको नीचे भी लगाना होगा और इस मार्के को इस तरह से शेप दे देना होगा, हल्का सा शेप दे देना होगा और इस मार्के को सीधा कर देना होगा। और उसके बाद में दोस्तों हम इसकी कंधी डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम लगभग 1.5 इंची कंधी डाउन करेंगे। और दोस्तों इसका इसकी कॉलर है वो 10 इंची है तो 10 में हम यहाँ पर लगभग 1.5 इंची यहाँ रखेंगे क्योंकि 5वां हिस्सा लगता है दोस्तों, और लगभग 1.5 इंची यहाँ लग करेंगे और इसको इस तरह से घुमाव दे देंगे। और इसके तीर को 1.5 इंची डाउन किया हमने, इसको भी इस तरह से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसको हमें हल्का सा अंदर की ओर झुकाना होगा ताकि थोड़ा लूज न हो और सलवटे ना आए दोस्तों। मेन कारण यह होता है कि यहाँ पर कंधी में और यहाँ पर सलवटें आती है, इसका मेन कारण ये होता है कि आप क्या करते हो कि इसमें इस तरह से डाउन नहीं करते हो। यदि आप आधा इंची 1/4 इंची और यदि ज़्यादा पेट वाला हो तो हम 1.5 इंची या 1 इंची भी कर सकते हैं दोस्तों। हम इसमें आधा इंची कर रहे हैं तो आप इस तरह से आधा इंची अंदर की साइड में करके और यहाँ पर इसकी गोलाई देनी होगी, इस तरह से आप गोलाई देंगे तो यहाँ पर सलवटें नहीं आएंगी दोस्तों और एकदम सीने में एकदम बढ़िया दिखेगा दोस्तों।
और इसके बाद में यहाँ से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना होगा और इस तरह से गोलाई देनी होगी। इस प्रकार से ये चाइना सेट है, और यदि आप सादा रखना चाहते हो, वैसे ही मोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा 1.5 इंची रख के और फिर कटिंग करें दोस्त। तो मैं दोस्तों इसको काट लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बैक काटना बताऊँगा कि बैक किस प्रकार से कटती है। इसको इस मार्के के ऊपर से ही काट लेना होगा, यहाँ पर अच्छे से। और यहाँ से भी इसको काट लेना होगा इस तरह से, काट लेना होगा और यहाँ पर खुटका लगा लेना होगा दोस्तों। ये फैशन पट्टी के लिए हमें खुटका लगाना होगा इस तरह से, और फिर इस कपड़े में से हम बेग निकालेंगे दोस्तों। इस तरह से इसको पलट लेना है, और पलट के और यहाँ पर इसको रख देना है। रखना कितना है दोस्तों, हम यहाँ से लगभग आधा इंची कम रखना होगा, यहाँ से लगभग आप 1 इंची भी कम से कर सकते हो, और यदि आप ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हो तो आप 1 इंची भी रख सकते हो। दोस्तों मैं आधा इंची रख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर से बराबर निशान लगा लेना होगा, जहाँ पर हमने 1.5 इंची कंधे डाउन की थी उसके बराबर में यहाँ रखना होगा, और इसको सीधा कर देना होगा। सीधा करने के बाद में दोस्तों जिसका तीरा है ना वो 10 है, तो 5 इंची 10 का आधा 5, और यहाँ पर आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। और इस प्रकार से हमें यहाँ से लगभग 1 इंची का निशान लगा के और इसको सीधा कर देना होगा इस तरह से। इस तरह से सीधा करके और यहाँ पर इस तरह से हल्का सा घुमाव दे देना होगा, और इसको कटिंग कर लेना होगा। दोस्तों इसके बाद में मैं आस्तीन कटिंग और उसके बाद में मैं आपको तीरा कटिंग भी बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार से कटेगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इस कपड़े में इसकी आस्तीन काटूंगा, और आस्तीन काटने के बाद में मैं दोस्तों इसका तीरा काटना बताऊंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों मैं एक ही वीडियो में पैंट और शर्ट की कटिंग बता रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से इसको मोड़ लेना होगा, मोड़ना कितना होगा दोस्तों, मोड़ना लगभग हमको इसका सीना है ना उसकी बराबर में, यहाँ पर हमको लगभग चौथा हिस्सा रखना होगा। तो इसका सीना है ना दोस्तों 20 है, तो यहाँ पर 5 इंची रखना होगा, और इस तरह से इसको मोड़ लेना होगा इस तरह से, और यहाँ पर सीधा मार्कर कर देना होगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा देंगे, और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा सा ल्यूज रख लेते हैं, 5.5 ही रख लेते हैं इस तरह से, 5.5 रख लेना यहाँ पर इस तरह से। और इसको इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 14 है, तो यहाँ पर हम 13 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, हम 2.25 के कट लगाएंगे। तो आप इसमें 1 इंची कम कर लेना, 14 में 1 इंची कम कर लेना, एकदम बढ़िया बैठेगी दोस्तों। क्या होगा कि आधा इंची सिलाई में इधर जाएगा और आधा इंची सिलाई में इधर जाएगा, 1 इंची हो जाएगा। और 1 इंची होने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर इसके 2.25 के कफ लगाएंगे, और इसलिए हम यहाँ पर 1 इंची और कम कर लिया है, 1 इंची तो दबाव आ गया, और 1 इंची क्या होगा कि वो कम कर लिया हमने, और एक इसका आस्तीन 14 है, तो दोस्तों हमने इसको यहाँ से 13 कर लिया है इस तरह से, 13 कर लेना होगा। 1 इंची कम तो वैसे हो गया, और 1 इंची सिलाई का दबाव में आ जाएगा, तो ये 2 इंची होगा, तो 2 इंची हम 2.25 के कप लगाएंगे, तो थोड़ा ल्यूजी रहेगा दोस्तों, फिटिंग होने का तो कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद में दोस्तों इसका कप है तो वो है 7 के, तो यहाँ पर हमें 7 का आधा कर लेना होगा, यहाँ पर 3.5, और हमें लगभग 1 इंची एक्स्ट्रा करना होगा दोस्तों, कि यहाँ पर चुनट भी डलेगी और सिलाई भी होगी, और यहाँ पर हमको लगभग 2 इंची का मार्कर लगाना होगा, और 2 इंची का मार्कर लगाने के बाद में यहाँ पर हमको देख लेना होगा कि
यहाँ पर सीने का चौथा हिस्सा लगाना होगा, जितना आरमोल काटा था दोस्तों हमने वहाँ यहाँ पर इसको वो ही लगाना होगा। इसका आरमोल हमने 5 काटा था तो यहाँ पर भी 5 रखना होगा और इस प्रकार से इसकी गोलाई दे देनी है। और यहाँ पर हम इसके चौपटी नहीं बढ़ाएंगे, हम सिंपली बढ़ाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ से हमको लगभग 3 इंची का मार्का करना होगा। और 3 इंची का मार्का करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर यहाँ से हमने 3.5 रखा है ना, और 1/2 इंची यहाँ पर दबाव का इस तरह से, और यहाँ पर हमें इस तरह से इसको सीधा कर देना होगा, इस तरह से हमें सीधा कर देना होगा। इस प्रकार से सीधा कर देंगे और इसको भी सीधा कर देंगे यहाँ से, और हम इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से और इसको यहाँ से काटेंगे। देखना, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काटना है, यहाँ से इसको इस तरह से, और यहाँ पर इसकी गोलाई लेते हुए इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से इसको तिरछा करके इस तरह से, काटना होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखने आगे की साइड में थोड़ा सा इस तरह से लगभग 1/2 इंची का इस तरह से काट लेना दोस्तों, इस प्रकार से 1/2 इंची का काट लेना। और ये दोस्तों जब हम पत्थर आएंगे तो इसको यहाँ भी कुटका लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखो ये हम इसके फैशन पट्टी को बनाएंगे, वो चौक पट्टी को बनाएंगे नहीं, हम इसको इस तरह से मोड़ के और सिंपल वाली बनाएंगे, इस तरह से, इस प्रकार से हम यहाँ पर सिलाई लगा के बनाएंगे दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको तीरा बता देता हूँ, तीरा के लिए ये कपड़ा डबल तो है ही दोस्तों, इसका एक्स्ट्रा को काट देता हूँ, ये डबल साइज में है दोस्तों। और इसको इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से मोड़ लेना होगा। और मोड़ लेने के बाद में दोस्तों तीरे की लंबाई है वो 10 इंची है, तो हम यहाँ पर 10 का आधा करेंगे 5, और यहाँ पर 1/2 इंची सिलाई का तो 5.5 का यहाँ पर निशान लगाएंगे, और 5.5 का निशान यहाँ लगा के और यहाँ पर सीधा कर देंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से हमको 3.5 रखना होगा, और 3.5 यहाँ से रखना होगा, और 1.5 इंची हमें एक्स्ट्रा रखना होगा, और यहाँ पर भी 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना होगा। ये 5 इंची का है दोस्तों, इस तरह से इसकी तीरा 5 इंची कट जाएगा यहाँ से इस तरह से। और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसका कॉलर के लिए हमने इसका गला 1.5 इंची रखा था, तो यहाँ पर भी 1.5 इंची रखना, और यहाँ से हमें 1 इंची का मार्कर लगाना है इस तरह से, और इसको इस तरह से सीधा कर देना है इस प्रकार से, और इसको भी ऐसे सीधा कर देना है इस तरह से, और इसकी ऐसे गोलाई दे देनी है इस प्रकार से, यहाँ से कटेगा दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों इसको सीधा कर देना है इस तरह से, इसको सीधा कर देना है इस प्रकार से, इस तरह से सीधा कर देना है। और दोस्तों ये 5.5 का हो गया, और ये हमें 3.5 चाहिए, और ये हमें पूरा 5 इंची का चाहिए दोस्तों इस तरह से। और ये हमने 1.5 इंची इसका कॉलर की वो फाला काटा था वो 1.5 इंची था, और हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्कर लगा लिया है, और इस प्रकार से इसको यहाँ से कटिंग करना है दोस्तों। देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कटिंग करनी है, यहाँ से हमने 5.5 का काट निशान लगा लिया है, यहाँ से इस तरह से काट लेना है, ये 3.5 तक काटना है। और इसके बाद में ये 1.5 इंची ऊपर है, तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा 1/2 इंची ऊपर से इस तरह से, और इस तरह से गोलाई देती हुई दोस्तों हमें ये तीरा काटना है। और इसको इस तरह से हमें ये 1.5 इंची अंदर डाउन की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर 1.5 इंची काटते हुए नीचे इस तरह से काट लेना है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों ये डबल में है, तो हल्का सा हम इसको अलग कर लेते हैं, इसको यहाँ से इस तरह से, इस प्रकार से ये तीरा कट के तैयार हो जाता है दोस्तों। ये तीरा है, इस तरह से ये तीरा कट जाएगा। देखो ये पूरा 5 इंची का है दोस्तों, और ये पूरा
लंबाई में 5 इंची का है और यहाँ से ये 3.5 इंची का है दोस्तों, और इसकी लंबाई है दोस्तों वो 11 इंची है। तो 11 इंची इसलिए है इसके 10 के लगेंगे तो आधा इंची सिलाई इधर चला जाएगा और आधा इंची इधर चला जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आगे भी आप इस प्रकार से देख सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।